तो गाइस करते हैं अपनी रस्म शुरू। सबको पता होगा क्या है ये क्या नहीं। और चलो 3-2-1 स्टार्ट। तेरी 3 दिन हो चुके लिशत लिशत है मगर चमड़ी को कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरी को पड़ रहा है मगर आरिश भाई की चमड़ी को कोई। अभी उठे आप नीनी आई है भाई। शादी चाहे कंटेंट नहीं चाहे भाई क्या हो इसका भी हाल। वो यालिश वाला गाड़ी ली पैसे पूरे किया है समझ रही हो। इतना नहीं भाई यार ओए मुझे ड्रोन चाहिए। कौन है तो गाइस अब हम जा रहे हैं लेकिन दूल्हा सिर्फ दुल्हन के बगैर। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और फिलहाल का व्लॉग कर रहा हूँ मैं अपने रूम से शुरू। और बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा टांग में दर्द हो रही है मुझे। और आज का दिन है सहराबंदी का और नाजद की रुखसती का और मेरे रिसेप्शन का। और फिलहाल अभी हम उठ चुके हैं सुबह के 7 बजे के क्योंकि सहराबंदी जी तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर रिसेप्शन लंच शुरू होगा उसके बाद फिर रुखसती होगी। और अभी मैं उठ के नीचे जा रहा हूँ। साइका भी 7 बजे होके रेडी हो गई है और इसका भी आज इसका भी शूट है तो तभी तैयार होकर बैठी। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नीचे तो नीचे फिर मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मोटे लोग और मोटे हो रहे हैं पतले लोग और पतले हो रहे हैं और गंदे लोग और गंदे हो रहे हैं। और बाकी कुछ बोलूंगा नहीं मैं शक्ल देख के आप समझ जाओ मुझे क्या बोलना है। और बाकी जो हमारे सबसे जो स्मार्टेस्ट जीजू है हमारी फैमिली के उनके पास हम आते हैं। सुमीर भाई क्या कहना है आपको। नहीं आप मुझे बताओ क्या कैसा लगा आपको अरेंजमेंट वगैरह कैसा लगा। मज़ा आ गया। और मौसम वगैरह कुछ डिफरेंट आपको लगा हमारी फैमिली में पहली बार उसके बारे में क्या कहना था। आप क्या कर रहे हो इधर। हम बर्तन उठा रहे हैं जनाब। और ब्रेकफास्ट किया आपने। ब्रेकफास्ट किया। मुसरत जानता है तू। हाँ जानता हूँ ये मेरी बहन है। बहन है मेरे बड़े भैया ये। ये खा लिया आपने उठा ले। डिस्ट्रैक्शन होगी डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होगी थोड़ी लेकिन कोई बात नहीं। आप बताओ ना आप बताओ कुछ क्या कहना है आपका। I'm enjoying the view. मुझे बहुत मजा आया। हमाद अभी अभी बाहर सोते हुए क्या हुआ आपको अभी उठे आप। निन्नी आई है इधर देखो ना। निन्नी आई आपको फिर ओए निन्नी आई है। देखो इसकी आंखें नहीं खुल रही। उड़ती उड़ती एक खबर मुझे अभी पता चली है कि आसिम भाई आपकी एज क्या है पहले मुझे ये बताओ। 23 साल एज है आपकी और अभी तक आपने एक भी शादी अटेंड नहीं की है। क्या कहना है ये लोगों को यकीन नहीं आएगा। एक कसम खा दो आप मैं कितना खुश नसीब हूँ यार। पहली उद्घाटन आपसे मेरी शादी देख अब तू तो कितनी शादियों में जाएगा। क्यों मन भर गया लेकिन सच बोल नहीं तो तुम मुझे पहली शादी अटेंड की है तुमने। रिश्तेदारों की भी कोई शादी नहीं हुई। जाता ही नहीं हूँ यार कभी नहीं जाता हूँ शादी। तो कैसा लगा आपको शादी में आके माहौल क्या होता है शादियों में कैसा लगा माहौल। यार देखना यार दोस्त यार है बंदा बैठ जाता है ऐसे बैठ जा की शादी में कहाँ रिश्तेदारों के साथ जाके बैठ जाऊँ उनको बताऊँ शादी कब कर रहा हूँ कर क्या रहा हूँ जिंदगी में। छोटी से अच्छा मैं जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे। कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो रिश्तेदार पूछते हैं उससे प्रॉब्लम है ऐसे कोई नहीं है। बाकी कोई मसला नहीं है। हेलो यार देखना इधर हूँ फरमान है ये सारे टाइम अच्छा निकल जाता है बंदे का। अच्छा टाइम निकाल ले आए हो आप ऐसे कोई दिल से हमदर्दी नहीं है आपको आने। मैं समझ रहा हूँ माहौल होता है बंदे होते हैं सिलेक्टिव। ये थी हमारे आसिम भाई की कहानी दर्दनाक बहुत जल्दी इनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है अगर आप जानोगे ना गाइस आप फील करोगे। गाइस अगर आप चाहते हो आसिम भाई आपको ब्लॉग में फिर से मिलते रहे तो प्लीज कमेंट कर देना। तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप जानना चाहते हो इनके बारे में तो प्लीज तो 1 मिलियन लाइक करवा दो
तो और व्यू कम से कम कोई 50 मिलियन तक पहुंचा दो आसिफ भाई को तुम्हारा व्लॉग अगर चाहते हो नहीं नहीं आए क्यों नहीं कोई बात नहीं यार हम करेंगे फिर से बिलियन लगा दे तो गाइस अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट देख सकते हो आप सारे बैठ के कर रहे हैं और वहाँ पे निकाह सेटअप है आज नाजरती का तो सबसे पहले नाजरती का निकाह होगा उसके बाद मेरी सहराबंदी होगी बरात तो होगी नहीं मेरी और देखते हैं फिर आगे का सीन क्या रहता है बरात होगी ना इसके मतलब तो गाइस ये देख सकते हो आप तो गाइस देख सकते हो सारे यहाँ पे जुट चुके हैं क्योंकि शहजाद भैया मेहंदी लेके आ रहे हैं मेहंदी लेके नहीं सॉरी निकाह के लिए आ रहे हैं और बाकी सारे वेलकम के लिए खड़े और पानी की कहाँ है और ये देख सकते हो ये है ट्रेडिशन जो आपको पता ही होगा कश्मीरी ट्रेडिशन इसमें पानी निकालते और पैसा मिलता है आप क्यों खड़े हो ये मतलब हजारों फूल बरसाओ पैसों के लिए नहीं 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 ये पैसे के लिए ये पैसों वाले तो गाइस दूल्हे की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे बाहर निकाल दिया ये दूल्हे का सामान है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से हाँ साउथ का नहीं है अरे शायद तेरे इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं सब हाँ नहीं यार आपकी स्मार्टनेस तो नहीं है राज तो नहीं जलने का स्मार्टनेस आपकी हाँ? यार सही बात है गाइस मैं अपने ब्लॉग में इनका डांस नहीं डाल पाया क्योंकि कॉपीराइट का इशू है लेकिन ज़रूर मैं प्रीमियम लेके इनका डांस डालने वाला हूँ तो बने रहे हैं बस वो फुल परफॉर्मेंस इनकी ही जाएगी बस बने रहे हैं आप ब्लॉग में तो गाइस मेरा भी अपडेट ये है कि मैं पहले इनको अटेंड करूँगा उसके बाद क्या रहूँगा जूते जैसे खाने जूते के जूते छुपा के फिर मैं क्या तो अभी आप आ गए हैं आप देख सकते हो तो गाइस निकाह वाले पहुंच गए हैं ये देख सकते हो आप और बाकी सारे हमारी फैमिली वाले इकट्ठे हो गए ऑडियंस चेक करो देखो नीचे से सारे आ रहे हैं गाने गाने भी शुरू हो गए हैं देखो देखो तो गाइस शहजाद भैया बैठ चुके हैं देख सकते हो आप शहजाद भाई बैठ चुके हैं ये देखो शहजाद भाई बैठ चुके हैं और नाजरा दी का वेट है नाजरा दी आइए फिर निकाह करेंगे स्टार्ट हम यार उसमें कोई इनपुट नहीं हाँ बाटो नाजरा दी आ चुकी जैसे कि आप देख सकते हो जल्दी जल्दी का करवाते हैं तो फिर देखते हैं फिर आगे का सीन क्या रहता है इस बाहर मेरा आज रिसेप्शन है बाहर मेरा आज दुनिया खलकत बाहर आई हुई है मगर ये माँ के बच्चे ये सूर के ये उठने का नाम नहीं ले रहे किसकी शादी में आए हो तुम तेरे सर की कसम आरिश आया आरिश सो जाऊंगा हाथ उठाऊंगा आरिश ने बोला मैं सोचा मैं वाक्य उठाऊंगा पूछ नहीं किसकी शादी किसकी आरिश की मेरी है तेरी तो दावर भी सोया उसको मार उसकी तो गाइस दावर भी सोया तेरी साले तू मत बाहर आया था तो अरे एक से बढ़कर एक वैरायटी है गाइस एक से बढ़कर एक वैरायटी है पता नहीं क्या होने वाला है देखो हालत मैक्स सेक्सी लेग्स क्या लग रहा है आपको आरिश तो गाइस 3 दिन हो चुके रिलेशनशिप में मगर चमड़ी को कोई असर नहीं पड़ रहा है मेरी को पड़ रहा है मगर आरिश भाई की चमड़ी को कोई असर नहीं पड़ रहा है यार ये कट कर दूंगा मैं ये कट कर दूंगा क्यों बोलता है
ओएस भाई भी चमक रहे हैं आज। डीजे भाई आपने डी टैंक करवाना है भाई, फर्क तो पड़ेगा नहीं है ना, आप अक गए हो कर करके है ना, आपको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, है ना। ऊपर दिखाओ जरा यार, आपको ग्लो है। क्या बोल रहे हो आप? तो गाइज अभी फिलहाल हमने डिटेल लगवा दिया है और अभी हम करें वसीम भाई का वेट। उन्होंने बोला कि वेट करना हमारा क्योंकि आपका शूट करना है। ये देखो कपड़े हमारे किस तरह पड़े नीचे, तो उनका वेट करके तो फिर हम होंगे तैयार और जाएंगे हम बाहर। मैं व्लॉग कर रहा हूँ ना, शोर मत किया कर मेरे पीछे से। तो गाइज निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, देख सकते हो सारे लोंडे आ गए हैं। हाँ नसील भाई क्या फील है आपको? फीलिंग जबरदस्त है भाई। वो बोटू भाई आ गए और आपका वो आबाद भाई आ गए। तो गाइस अभी हम नीचे पहुंच गए, बस बस यहाँ से ऊपर शॉट देके फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मसरूर भाई की शादी में हमने उनका ब्लॉग ले लिया है। तो ये पहले हमारे हैदर भाई आते हुए, नमस्कार। ये बड़ी दूर से आए हैं, ये बोटू भाई ये कहाँ से आए हैं? ये युगांडा से आए हैं, ये नहीं ये मुझे नहीं पता है। तो ये नफील भाई, ये चाचू, हम सबके चाचू, बड़े चाचू हैं ये, बड़े साहब हमारे। जो भी मैनेजमेंट है सब इनकी है, सारा कुछ इनका ही है। हम तो बस गेस्ट हैं, ये सारा चाचू का किया जा रहा है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे, ये मसरूर भाई का टेंट, कैमरामैन भी दिखाना, ये कैमरामैन और ये मसरूर भाई। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा। आपका ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, शादी का नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज का बोल रहा हूँ, जबरदस्त लग रहा है। नबील भाई आपको कैसा लग रहा है मेरे आने से? क्या आपको चेंज हुआ है कुछ माहौल में, कुछ ताजगी आई है आपके आने से? यहाँ से 100 लोग भाग जाएगा। बोटू भाई कमेंट, बहुत बढ़िया होगा, मजा आ गया मेरे भाई। हैदर भाई कमेंट, बहुत मजा आ रहा है, हम 3 दिन से यही, ये तो आ जाए, हमें बहुत मजा आया भाई। तो गाइस बने रहिए, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो तब तक के लिए डू लाइक। तो गाइस बैठे बैठे हो गए हैं बोर, आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, और सामने देख सकते हो भाभी हमारी, दोनों भाभियाँ लगी हैं मगर फोटोज नहीं आ रही, बड़ी थोड़ी देर से, बहुत देर से बैठे हुए हैं। देखो कुछ बोलना है आपको यहाँ पे सीट पे बैठ के पिछले 2 घंटे से? ये हमारा बदमाश है चंद्रकोट का, और ये भी है। क्या हो मसूर के ब्लॉग्स देखते सारे? मैंने दिया 100 रुपए। तो गाइस हमने अभी उठा लिया है अभी मेरे को यहाँ से। अब हम जा रहे हैं नाजरादी को लेने के लिए, नाजरादी बाहर वेट कर रही है, वो देखो उसको लेके हम अंदर आएंगे और फिर चलते हैं। वो देखो नाजरादी सामने खड़ी यार। छोड़ दे। तो नाजरादी को हम लेके जा रहे हैं, देख सकते हो क्या फील क्या आ रहा है, पता नहीं, बैठो अभी पता चलेगा वहां से। देखो एक ही दूसरी वीआईपी बैठी हुई,
तो गाइस अब हम जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा सिर्फ दुल्हन के बगैर ही जा रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, देख सकते हो वसीम भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं और बाकी सब आ गए हैं डॉक्यूमेंट्री शॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और साइका भी आ रही है। और देख क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो ड्रेस होता है ना गाइस वो ना इंसान की शक्ल ही बदल देता है ना, चाहे जैसा मर्जी बंदा हो लेकिन शक्ल भी बदला देता है। लेकिन सामने से पता नहीं कौन आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तमीज नाम की चीज है इनको नहीं है गाइस, ये करने से क्या होगा कैमरे के सामने, कुछ नहीं होगा। हटो मेरी बीवी को जगा दो, बकवास करना बाद में। गाड़ी ली पैसे पूरे किया है, समझ रही हो, इतना नहीं भाई यार, ज्यादा पुड़ पुड़ नहीं कर, शादी की पैसे पूरे करने कहाँ से करने, यही से हो जाएंगे। तेरे से ज्यादा मैंने तुम दोनों को देख लिया है, बता तुम्हें कल से खड़ा हूँ। तेरे से ज्यादा तुम दोनों को देख लिया है। ये कहाँ की लैंग्वेज है ये? ये तेरे से नोटिस किया ना, तेरी बेइज्जती। तेरे से ज्यादा तुम दोनों को देख, ये क्या बात हुई यार, कुछ नहीं होता। सॉरी मैं गलत, वो हमारा भाई है ऊपर, वो देख लो, वो देख सकते हो आप ऊपर। भैया मेरे दोस्त बड़े बहुत बड़े चोर है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रात को कहीं होटल वोटल में डाका पड़ गया तो देख लेना कमरा, तो मैं बताऊंगा ना। और मुझे ड्रोन चाहिए। पता चल दुकान के बाहर बैठा ड्रोन उड़ा। भैया ने मेरे को बोला कंटिन्यू रखो, कैंडिड वीडियो लूंगा मैं आपकी, और अभी हम वीडियो बन रही है हमारी, और वीडियो फोटो नहीं, देखिए गाइस बोर से देखिए हुकूमत जा रही हो चुकी है, कुछ घंटे ही हुए हैं, बहुत टाइम से जा रही है, बहुत टाइम से यार, मार क्या करना है, फोटो लेना है। तो गाइस देख सकते हो अभी उठा के हम जा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं कमरे में, मैं आस्ता आराम से बैठा क्योंकि इंटरव्यू वगैरह चल रहा है यहाँ पे सबका, देख सकते हो सादिया दी नादिया दी का इंटरव्यू चल रहा है, रेडी सुनते हैं क्या बोलती है। ओके बिल्कुल आप आओ, हाँ वो इसका हक है। हाँ शाहरुख भाई क्या मसला है, क्या मसला है? मसला कुछ नहीं, मेरे पास मसला है। आपका क्या मसला है? मेरे पास कुछ नहीं है। समीर तू फिर तो खड़ा हो गया, छोड़ कट कट
ओए बैलेंस बैलेंस मुझे डांसिंग तो दो बड़ी भाई के लिए तो गाइस अभी हम सारा फंक्शन हमारे घर पे जितने भी फंक्शन सारे खत्म हो गए और अभी हम सारे जो अपनी फैमिली के हैं ये बैठे हैं यहाँ पर देख सकते हो सारी और अभी दो रस्म बची है एक दूध वाली और दूसरी गोदी में बैठने की साइकिल लल्लू दारू भाई और रुकिया भाभी की गोद में कौन बैठा था सना भाभी की गोद में तू नहीं मैं नहीं बैठा मैं नहीं बैठा तो गाइस करते हैं अपनी रस्म शुरू सबको पता होगा क्या है ये क्या नहीं और चलो 3 2 1 स्टार्ट मैं भी ऐसे कर यार ये बारी नहीं देती है मेरे को यार इसमें रेत ज्यादा है जो जीतेगा ना यार ये गलत बात नहीं है पूरे हाथ फैला देती है अपने बेबी नहीं आप भी फैला दो मैं फैलाऊंगा फिर कहाँ ढूंढेगी बेचारी यार लग रही है मेरे को यार यार सा एक गलत बात नहीं करो यार यार ये मेरे को जगह ही नहीं दे रही ऐसे खोल के हाथ चल रही है यार दो हाथ यूज भी करते हैं एक ही चांस देता हूँ मैं बार बार नहीं देता हूँ कौन जीत सकता है Oh,
तो गाइस पिछली शर्त तो मैं जीत गया, और दूसरी रस्म ये है कि कोई भी, क्या देवर होता है कजनों का, देवर कोई भी देवर मतलब गोद में, कोई भी मतलब छोटा देवर गोद में बैठने की होती है, और ये पैसा मांगते हैं अच्छे से बोलो भाई बोलो, कितना रोकड़ा चाहिए, कितना रोकड़ा चाहिए भाई, चिंदी 1 रुपए 2 रुपए कितने में बिकने वाला है तुम? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, फिर बैठा क्यों है गोद में? बोलना जल्दी यार, जल्दी बोलो कितना रोकड़ा चाहिए, क्या नहीं हो हो रही है, हो रही है कुछ, हो रही है ऐसे सेटिंग हो रही है, जब स्कीमें क्यों सुना था, जो हमने आते आते यहाँ पे पहुंचते पहुंचते स्कीमें लड़ाई थी, आधा आधा दो ना, 2000 दो ना, गोद में बैठा उठ ही नहीं रहे हो दो ना, रोकड़ा दो ना, ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन, चल खोल स्कैनर जल्दी, 2000 रुपए डालता हूँ तेरे को मैं, अच्छा ये क्यों दे रहा हूँ मैं इसको 50 रुपए, निकालना स्कैनर डालता हूँ, तो गाइस 2000 रुपए में डील डन हुई है, अभी हम इसको 2000 रुपए डालेंगे, 2000 रुपए में बिक गया ये, इसको हमको खरीदना, 2000 रुपए देते ना, चलो हो गया आ जा डाल, तो गाइस 2000 रुपए डाल के शाहरुख भाई को अभी हम वापस ले लेंगे इसे, 2000 रुपए कोई मसला नहीं, दोगे 2000 रुपए वापस, दो ना यार वापस तो दो यार, तो गाइस रस्म में पूरी होते हुए अभी हम निकल रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और क्या ही बोलूँ, क्योंकि व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप, उसके लिए शुक्रिया, तो मिलते हैं कल अगले नए से व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सॉरी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें।